म टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ डियर फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग द सब्जेक्ट कोड इज के एम ई जीरो सेवन सिक्स टुडे इज अवर नाइन्थ लेक्चर एंड हियर वी डिस्कस द मेथड ऑफ कंबस्शन इन थर्मल पावर प्लांट स्पेशली वी आर डिस्कसिंग स्टोकर फायरिंग बाय दिवे आई एम डॉक्टर तरुण कुमार गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इन जी एल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा लेट वी स्टार्ट सो वट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंबस्टन राइट वेन एवर वी आर कम बर्निंग द फ्यूल इन द थर्मल पावर प्लांट वी हैव सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स सो वट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट द बेसिक रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर मिक्सिंग से क्या होगा जितना अच्छा मिक्सिंग होगा उतना अच्छा फ्यूल एंड फ्यूल बर्न होगा राइट optimum air fuel ratio means minimum excess air required reliable and continuous ignition control over formation and accumulation of ash when coal is used as a fuel. Dear friends in the combustion in the thermal power plant we can use solid fuel liquid fuel as well as gaseous fuel right If we are using solid fuel there are two types of combustion system one is stoker firing, अदर इज पल्वराइज फायरिंग इन द स्टोकर फायरिंग देयर कैन भी ओवर फीड स्टोकर देयर कैन भी अंडर फीड स्टोकर ओवर फीड एंड अंडर फीडोकर आर फर्दर डिंगस पार्ट विच वी विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स इन द पल्राइज फायरिंग सिस्टम देर इज द यूनिट सिस्टम एंड सेंट्रल सिस्टम वाइल वैन एवर वी आर जो लिक्विड फ्यूल यू कैन से पेट्रोल और डीजल और एनी अदर लिक्विड फ्यूल सो वी है इंजेक्शन सिस्टम एंडन सिस्टम if we are using gaseous fuel you can see we are having two system atmospheric pressure system and high pressure system so this is a complete detail of the combustion system let us come to the solid fuel combustion system in case of solid fuel combustion system in most of the cases we are using coal right so coal can be burned by any of the two methods, stoker firing and pulverized fuel firing now वट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया कब स्टोकर फायरिंग यूज़ करेंगे कब पलवराइज फायरिंग यूज़ करेंगे सो so, जो हमारा स्टोक सिलेक्शन क्राइटेरिया है इट डिपेंड अपॉन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर फ्लक्चुएशन इन द लोड एंड लोड फैक्टर इन चारों के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी यूज स्टोकर फायरिंग और वी यूज़ पलवराइज फायरिंग राइट अब हम बात करते हैं स्टोकर फायरिंग की स्टोकर फायरिंग दो तरह की होती है आई टोल्ड यू ओवर एंड अंडर राइट right. तो so, अब ओवर फीड की अगर हम बात करते हैं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ओवर फीड फायरिंग सिस्टम हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेट ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं दिस इज ग्रेट इनसाइड द ग्रेट देर आर होल्स राइट थ्रू विच एयर कैन बी सप्लाईड नाउ हम कहते हैं ओवर फीड ध्यान रखिएगा वर्ड है ओवर फीड इट मीन्स फ्यूल इज फीडिंग ओवर द एयर अगर फ्यूल एयर के ओवर फीड करते हैं ऊपर से फीड करते इट इज नॉट एज ओवर फीड इफ फ्यूल आर सप्लाइंग बिलो द एयर इट इज अंडर फीड ध्यान रखना एयर की पोजिशन वही है फ्यूल ऊपर से सप्लाई किया ओवर फीड फ्यूल नीचे से सप्लाई किया अंडर फीड ध्यान रहेगा वेरी गुड तो इसको देखिए ध्यान से दिस इज द ग्रेट राइट नाउ हियर यू कैन सी वी आर सप्लाइंग द फ्यूल फ्रॉम हियर दिस इज द ग्रीन कोल ग्रीन कोल इज द फ्रेश फ्यूल सो वी आर सप्लाइंग फ्रेश फ्यूल फ्रॉम हियर

और दूसरा जो भी ऐश बनेगी उस ऐश को नीचे ऐश पिट में ड्रॉप कर देंगे सेटल कर देंगे राइट सो हियर यू कैन सी दिस प्राइमरी एयर इज़ नॉट सफिशिएंट टू बर्न कंप्लीटली द कोल द फ्यूल सो वी आर सप्लाइंग सेकेंडरी एयर सो यू कैन सी दिस इज अ सेकेंडरी एयर और इस सेकेंड्री एयर में क्या क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है ऑक्सीजन हो सकती है नाइट्रोजन हो सकती है मॉइस्चर कंटेंट भी हो सकते हैं राइट सो so, ये सारे के सारे इसमें होते हैं अब इसके बारे में अगर हम कुछ बताएं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दैट फ्यूल बेड सेक्शन रिसीव फ्रेश कोल ऑन द टॉप सरफेस मैंने आपको दिखाया ग्रीन कोल राइट इग्निशन प्लेन लाइज बिटवीन ग्रीन कोल एंड इन कोक एयर एंटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्रेट अंडर प्रेशर एंड इट गेट हीटेड ध्यान रखिएगा जब एयर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं बॉटम से सो so ये ग्रेट गर्म है राइट ग्रेट इज़ वेरी हॉट सो होगा क्या फ्रेश एयर आपने सप्लाई की इसमें वाटर पार्टिकल्स भी है मॉइस्चर भी है सो फ्रेश एयर एंड मॉइस्चर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रेट जैसे ही ये ग्रेट के कॉन्टेक्ट में आती है हीट एक्सचेंज विल देयर सो एयर गर्म हो जाएगी जो मॉइस्चर है इट विल कन्वर्ट इन इन टू गैसेस स्टेट और ये जो ग्रेट है ये थोड़ा सा ठंडी रहेगी इसके साथ साथ फर्दर ये ये जो हॉट एयर है इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद हॉट एश तो हॉट ऐश के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये और भी गर्म हो जाएगी राइट सो वी हैव मैंशन दिस

कोई मीन्स क्या है कि जो कोल है और ऑक्सीजन है दोनों में जब केमिकल रिएक्शन होती है बर्न होते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर रिलीज होती है और जो मॉइस्चर अवेलेबल थी व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल सो मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फ्री हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और जो सी ओ टू है सम सी ओ टू इज़ कन्वर्ट इन टू सी ओ सो क्या है वहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं बचती ध्यान रखिए वहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं बचती नाउट हीट फॉर डिस्टिलेशन एंड इग्निशन कम फ्राम द फॉलोइंग फोर सोर्सेज कौन कौन से फोर सोर्सेज है कहाँ से आती है बाई कंडक्शन फ्राम इनकंडिस कोक एक तो इनकंडिस कोक से आती है दूसरी कहाँ से आती है फ्राम हाई टेम्परेचर गैसेज डिफ्यूजिंग थ्रू द सर्फेस ऑफ द बेड तीसरी कहाँ से आती है बाई रेडिएशन फ्रॉम फ्लेम्स एंड हॉट गैसेज इन द फरनेस राइट और फोर्थ कहाँ फोर्थ कहाँ से फ्राम द हॉट फरनेस वेल सो इग्निशन जोन डायरेक्टली लाइज बिलो द रॉ फ्यूल ंडर गोइंग डिस्टिलेशन इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ओवर फिड स्टोकर सो जो ओवर फिड स्टोकर हैं ये भी दो टाइप के होते हैं ट्रैवलिंग ग्रेट एंडर स्प्रेडर स्टोर सो ट्रेवलिंग ग्रेट एंड स्प्रेडर स्टोकर ट्रेवलिंग ग्रेट अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स चेन ग्रेट एंड बार ग्रेट दोनों ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ चेन की जगह बार लगा दिए बार की जगह पर चेन होती है सो so, दोनों में से कोई भी एक हम डिस्कस कर सकते हैं लेट से वी डिस्कस चेन ग्रेट टाइप ट्रेवलिंग ग्रेट ओवर फिड स्टोकर सो ट्रैवलिंग ग्रेट में ये बेसिक प्रिंसिपल है चेन ग्रेट चेन ग्रेट टाइप हो या बार ग्रेट टाइप हो यू कैन सी दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम यू कैन सी लेट देर आर टू रोलर्स देर आर टू रोलर्स ओवर विच चेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन चेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन राइट कोल इज अप्लाइड फ्राम द हियर दिस इज द हॉपर फ्राम वेयर कोल इज अप्लाइड और एक यहाँ पर गेट लगाया हुआ है एडजस्टेबल फ्यूल गेट इस गेट को नीचे कर देंगे तो फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी और ऊपर कर देंगे तो फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्लियर है मीन्स जस्ट बाई एडजस्टिंग दिस गेट यू कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द फ्यूल अब देखिए एक बार फ्यूल आपको बर्न करना है उसके बाद तो कंटिन्यू तो से बर्न होता रहेगा और यहाँ पर ये यह देखिए होल्स दिए हुए हैं यहाँ से एयर सप्लाई की जाती है प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर यहाँ से सप्लाई की जाती है आप देख सकते हैं सेकेंड एयर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं नौ स्पीड ऑफ द चेन इज सच दैट जो कोल आपने यहाँ पर फीड किया है द कोल विल बर्न कम्प्लीटली वैन इट रीच फ्रॉम हीयर टू हीयर सो कोल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा मीन्स उसमें सॉलिड पार्टिकल्स या कोल के पार्टिकल्स नहीं बचेंगे सारा के सारा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यह ऐश यहाँ से अपने आप ड्यू विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट विल कम डाउन टू द पिट एशपिट पिट में अपने आप आ जाएगी और यहाँ से ये जो हॉट गैसेज हैं और यू कैन से जो फ्लू गैसेज हैं ये आप देख सकते हैं हॉट गैसेज और फ्लू गैसेज यहाँ से दीज आर द पाइप्स दीज आर द ट्यूब्स दिस इज द बॉयलर यू कैन से सो बॉयलर में से पास होते हुए ये यह, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती हैं ये सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेन ग्रेड और बार ग्रेड चेन है या बार है बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन राइट So, this is a fundamental or basic principle of travelling rate stoker. You can see here that flexible endless chain forms fuel bed, chain travels by two sprockets, right? front sprocket connected to variable speed mechanism, speed of stoker can be 50 to 50. 15 से 50 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड हो सकती है बट ध्यान रखना है स्पीड उतनी ही रखनी है जिसमें कोल कम्प्लीटली बर्न हो जाए ऐसा ना हो कि आप स्पीड बहुत फास्ट रख दें और अनबर्न कोल भी ऐश के साथ साथ चला जाए सो दैट इज़ डायरेक्ट लॉस राइट सो इससे क्या होगा एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी सो so आपको एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है कंप्लीट कोल बर्न का भी ध्यान रखना है सो so इसलिए आप स्पीड को उससे ज़्यादा ना करें कोल बैड इज कोल बैड थिकनेस इज मेंटेन बाय एन इंडेक्स प्लेट विच रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ फ्यूल गेट एयर इज सप्लाइड अंडर द ग्रेट आपको मैंने बता दिया नॉन कोकिंग कोल आर बेस्ट फॉर चेन स्टोकर राइट और इसमें कितना फ्यूल हम बर्न कर सकते दो सौ से 300 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर चेन का जो एरिया है उस चेन के एरिया में 200 से 300 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर फ्यूल कैन बी बर्न विद फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम नाउ वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग चेन ग्रेट स्टोकर क्या क्या एडवांटेज हैं इट इज़ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन वेरी लेस इनिशियल कॉस्ट वेरी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट स्टोकर इज सेल्फ क्लीनिंग आप देख रहे थे कि ऐश जो है अपने आप पिट में सप्लाई हो रही है सस जा रही है सो सेल्फ क्लीनिंग हाई हीट रिलीज पर यूनिट फर्नेस वॉल्यूम हीट रिलीज कैन बी कंट्रोल जस्ट बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द चेन आपको चेन की स्पीड कंट्रोल करनी है और क्या करना है आपने क्वान्टिटी ऑफ द फ्यूल जस्ट उस गेट को आपने कंट्रोल करना है इन दो को कंट्रोल करेंगे तो आपका फ्यूल बर्निंग जो है या हीट रिलीज जो है वो आसानी से कंट्रोल हो सकती है बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें आई टोल्ड यू अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे सो so, डिसएडवांटेज की बात करें यू कैन सी प्री हीट टेम्परेचर कैन बी मैक्सिमम 180 डिग्री सेल्सियस दूसरी डिसएडवांटेज है क्लिंकर प्रॉब्लम्स इज़ देयर क्लिंकर्स हमें नहीं चाहिए बट हम यहाँ पर रिमूव नहीं कर पा रहे क्लिंकर्स को सो क्लिंकर प्रॉब्लम इज देयर थर्ड लॉस ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्यूल ड्यू टू रिडलिंग ये एक और डिसएडवाटेज है नेक्स्ट है इग्निशन आर आर रिक्वायर्ड सो यहाँ पर क्या है इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर लो कैपेसिटी बॉयलर्स मीन्स अगर बॉयलर की जो कैपैसिटी है स्टीम जनरेशन कैपैसिटी इट इज़ अप टू टू लैख किलोग्राम पर आर तब तो ये ठीक है अगर दो लाख किलोग्राम से ज़्यादा स्टीम जनरेट करनी है आपने देन इट इज़ नॉट सुटेबल आपको कोई और अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा क्लियर है इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेडर स्टोकर की अब देखिए फ्रेंड्स स्प्रेडर स्टोकर स्प्रेडर स्टोकर क्या है राइट right? आपको पता होना चाहिए स्प्रेडर स्टोकर क्या है स्प्रेडर स्टोकर नाम से पता पड़ा। स्प्रेडर इट स्प्रेड द फ्यूल दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडर स्टोकर आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए स्प्रेडर स्टोकर में यू कैन सी दिस इज द ग्रेट होल्स आर गिवन टू सप्लाई द एयर होल्स के नीचे पिट है राइट एयर यहाँ से आ रही है और होल्स के थ्रू पास हो रही है और सेकेंडरी एयर को यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं है हम फॉर कंप्लीट कम्बस्चन अब देखिए यहाँ पर इज दीजिए होपर होपर का साथ एक फीडर लगाया हुआ है कि स्प्रेडर लगाया हुआ है फीडर क्या करता है फीडर फीड ये जो सप्लाई है कोल की ये स्प्रेडर को सप्लाई करता है और स्प्रेडर क्या करता है स्प्रेडर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है इस फ्यूल को ओवर द ग्रेट ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर इसका पूरा ढेर लग जाए हीप हो जाए सो स्प्रेडर इस हिसाब से फ्यूल को स्प्रेड करता है कि पूरे की पूरे ग्रेट पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली फ्यूल मेंटेन रहे राइट नाउ यू कैन सी कोल इज नॉट फेड फ्रॉम ग्रेट ऑफ फर्नेस ग्रेट इज ओनली टू सपोर्ट द फ्यूल एंड रिमूवल ऑफ एश हियर कोल इज अवेलेबल इन होपर आपको मैंने दिखाया था फ्रॉम देयर कन्वेयर सप्लाई द कोल टू रोटर एंड देन थ्रोन टू द फर्नेस थ्रू द रोटर फॉर कम्बस्टन द एयर इज सप्लाइड फ्रॉम द होल इन द ग्रेट एंड सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड आपको बताया था मैंने यहाँ से सेकेंडरी एयर सप्लाई होती है राइट अनबर्न कोल एंड एश रिमूव पीरियोडिकली फ्रॉम द फर्नेस एनी टाइप ऑफ कोल कैन बी बर्न हीयर एनी टाइप ऑफ कोल वेदर्ट इज़ लो क्वालिटी वैदर्ट इज हाई क्वालिटी सो एनी टाइप ऑफ द कोल कैन बी बर्न हीयर राइट अब क्या है इसमें भी एक डिसएडवाटेज है कि इट कैन यूज इन द बॉयलर हुज स्टीम जनरेशन कैपेसिटीज अप टू वन लैख फोर्टी थाउजेंड किलोग्राम पर आर सिर्फ यहाँ तक ही ये यूज हो सकता है इससे ज़्यादा के लिए यूज नहीं हो सकता ठीक है अब वॉट आर द एडवांटेज ऑफ स्पेडर स्टोकर आपको बताया एनी वेराइटी ऑफ कोल कैन भी बर्न अभी बताया ना दिस इज द मेन एडवांटेज दूसरा इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट इजी टू इनाइट तीसरा है यूज ऑफ हाई टेम्परेचर प्री हीट एयर इज पॉसिबल लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस क्लिंकर प्रॉब्लम बट ध्यान रखिए मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं है क्लिंकर प्रॉब्लम्स क्लिंकर प्रॉब्लम है बट लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस राइट कॉस्टली फायर आर्चिज आर नॉट रिक्वायर्ड पहले वाले में आर्चिस की रिक्वायरमेंट थी इसमें आर्च की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्लक्चुएशन ऑफ लोड कैन ईजिली एडजस्ट सो दीज आर द एडवांटेज लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट विद वेरिंग साइज ऑफ़ द कोल मीन्स कुछ कोल 5 एम एम डाई का है लट से कुछ कोल 10 एम एम डाई का है कुछ 15 एम एम डाई का है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ ऑल टाइप ऑफ द कोल क्योंकि जो हमारा फीडर है फीडर एक ही टाइप के कोल को फीड कर सकता है आपको ध्यान है ना फीडर कैसा था एक बार दोबारा देख लीजिए फीडर कैसा था ये देख लीजिए दोबारा ये देखिए फीडर के बीच में गैप बना हुआ है और यहाँ से और यहाँ पर भी गैप है अगर कोल का साइज़ ज़्यादा मोटा है ज़्यादा है तो so, यहाँ से कोल पास नहीं होगा आप देख सकते हैं सो so, कोल थोड़ा सा ही यहाँ से पास होगा सो so, वापस आ जाइए फ्लाई एश कंटेंट्स आर मोर एयर नीचे से आप सप्लाई कर रहे हैं ऐश के ग्रेड के ऊपर ऐश है सो so, फ्लाई एश मोर होगी एंड मैंने कहा ना क्लिंकर्स आर देयर सो so, ख़त्म नहीं हुई है क्लिंकर प्रॉब्लम क्लिंकर्स अवेलेबल हैं तो so, क्लिंकर्स हमें नहीं चाहिए इसके बाद अब डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे अंडर फीड स्टोकर की मैंने बताया ओवर फीड क्यों कहते हैं अंडर फीड क्यों कहते हैं इट इज़ द ओवर फीड और अंडर फीड जो टर्म दी गई इट इज द पोजिशन ऑफ द फ्यूल मीन्स रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू एयर एयर से ऊपर फीड किया तो ओवर फीड एयर से नीचे से फीड किया तो अंडर फीड यू कैन सी द अंडर फीड इन दिस केस प्राइमरी एयर इज सप्लाइंग फ्रॉम द हेयर बट फ्यूल इज सप्लाई फ्रॉम द हेयर आप देख सकते हैं कि फ्यूल इज सप्लाइड अंडर द एयर एयर जहां से भी सप्लाई हो रही है एयर के नीचे से फ्यूल सप्लाई हो रहा है सेकेंडरी एयर यहाँ से कहीं से भी सप्लाई कर सकते हैं हम आप देख सकते हैं कुछ एयर यहाँ से सप्लाई हो रही है कुछ यहाँ से सप्लाई हो रही है सेकेंडरी एयर कहीं से भी सप्लाई कर सकते हैं बट प्राइमरी एयर जहाँ से सप्लाई हो रही है फ्यूल उससे भी नीचे से सप्लाई हो रहा है दैट्स वाइट इज नॉन एज अंडर फीड स्टोकर अंडर फीड स्टोकर ध्यान रखिए इन स्टोकर फायरिंग वी आर नॉट यूजिंग पलवराइज कोल मीन्स पाउडर फॉर्म में कोल को यूज नहीं कर रहे हैं वी आर यूजिंग कोल इन यू कैन से स्लाइटली लंप साइज यू कैन से स्टोन साइज फाइव एम एम सिक्स एम एम एट एम एम का जो कोल है उस कोल को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं राइट right? सो so, आप देखिए फ्रेश फ्यूल इज सप्लाइड फ्रॉम द बॉटम यहाँ ये ग्रीन कोल है फ्रेश फ्यूल इसके ऊपर इन कोक है जो थोड़ा सा बर्न हो चुका है इसके ऊपर एश कंटेंट है उसके ऊपर फ्लेम है राइट right? अब आप कहेंगे कि एश सबसे ऊपर है तो एश को रिमूव कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा वेन आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ अंडर फीट स्टोकर अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल रिमूव द एश दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दैट इट इज वेरी गुड फॉर सेमू बिटुमिनस एंड बिटुमिनस कोल एयर एंटर्स इन टू द फर्नेस थ्रू होल्स इन द ग्रेट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ग्रीन कोल देन इट पास थ्रू इन कंडीसेंट कोक हॉट गैस पास थ्रू द लेयर ऑफ एश सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड फॉर कम्पलीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल एंड इट कैन बी कैटेगराइज इन टू टू पार्ट सिंगल रिटोट एंड मल्टीपल रिटोट दो तरह के होते हैं सिंगल रिटोट एंड मल्टीपल रिटोट ध्यान रखिएगा अब देखिए ये सिंगल रिटोट है अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं इस डायग्राम में देखिए ये रिटोट है कोल ऊपर यहाँ से कोल सप्लाई किया है कोल सप्लाई किया ये स्टीम सिलेंडर है सिस्टम एक रैम यहाँ पर है जितना फ्यूल यहाँ आएगा ये इस फ्यूल को सप्लाई कर देगा यहाँ पर राइट ये यह फ्यूल यहाँ पर सप्लाई हो गया अब आप देखिए दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्रेश कोल यहाँ पर सप्लाई हो गया एवरी टाइम यू आर सप्लाइंग फ्रेश कोल एवरी टाइम यू आर सप्लाइंग एयर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं एयर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी एयर फ्रेश कोल एवरी टाइम यू आर सप्लाइंग फ्रेश कोल फ्रॉम ईयर सो दिस इज फ्रेश कोल दिस इज फ्रेश कोल इसके ऊपर यहाँ इनकैंडिसेंट कोक का रीजन है ऊपर ऐश है जैसे जैसे आप सप्लाई करते जाएंगे ऐश पार्टिकल्स जो है वो टॉप टौ, से यहाँ से और यहाँ से साइड से नीचे ऐश पिट में आते चले जाएंगे। नौ किस स्पीड से हम फ्रेश फ्यूल सप्लाई करें ध्यान रखिएगा आपको फ्रेश फ्यूल उतना ही सप्लाई करना है कि यहाँ से ऊपर तक जब ये फ्रेश फ्यूल पहुँच जाए तो ये कंप्लीट बर्न हो जाए और सिर्फ टॉप पर ऐश पार्टिकल्स अवेलेबल हों राइट यहाँ पर ऐश अवेलेबल हो सो दैट ये जो ऐश है जैसे ही आपने थोड़ा सा और फ्यूल सप्लाई किया ऐश साइडों में ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आ जाए सो so, ये जो ए, एंगल है यहाँ से इस शुड भी मोर देन एंगल ऑफ रिपोज मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिपोज के बारे में सो so, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होना चाहिए जैसे एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा ऐश विल कम डाउन तो साइड से ऐश कम आ जाएगी और ये ऐश पिट है ऐश पिट में से इस एश को आसानी से रिमूव कर सकते हैं नाउ इट इज़ सिंगल रिटोर्ट सिस्टम अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं द कोल फ्रॉम द लार्ज होपर इज फेड बाई रेसिप्रोकेटिंग रैम और स्क्रू कन्वेयर इन टू द बॉटम ऑफ द ऑरिजेंटल ट्रफ राइट द एयर इज सप्लाइड थ्रू द टूयर्स प्रोवाइडेड अलॉन्ग द अपर एज ऑफ द ग्रेट एज शोन इन फिगर आपने देखा था राइट द एश फ्रॉम द ग्रेट फॉल्स एंड इट कलेक्टेड इन टू द एश पिट अब एसपीड में क्या है एसपीड से तो आप आसानी से हटा सकते हैं अब यहाँ पर क्या है कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि जब एश जा रही है तो कुछ अनबर्नड कोल पार्टिकल्स मीन्स जो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए हैं सो सम अनबर्न कोल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द ग्रेट राइट सो कोल फीडिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल रिटोर्ट वेरीज फ्रॉम हंड्रेड टू टू थाउजेंड किलोग्राम पर आवर अब क्या होगा सिंगल रिटोट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है टू थाउजेंड किलोग्राम कोल पर आर अब अगर आपको ज़्यादा कोल बर्न करना है तो यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल रिटोट सिस्टम कोई और ऑप्शन नहीं है आई टोल्ड यू कि फोर आपको मैंने बताया था ना अगर फोर फोटी मेगावाट का प्लांट है तो इसको सिक्स थाउजेंड टन पर डे के कोल की रिक्वायरमेंट होती है इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी टन पर आर एक घंटे में दो सौ पचास टन और यहाँ पर क्या है एक घंटे में दो टन टू टन ही यूज़ कर पा रहे हैं अगर आप ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी फाइव की ज़रूरत होगी कितने की ज़रूरत होगी वन ट्वेंटी फ़ाइव की ज़रूरत होगी सो सिंगल रिटोर्ट सिस्टम इज़ नॉट सक्सेसफुल तो ये तो स्मॉल कैपेसिटी पावर प्लांट में यूज़ होगा तो लार्ज कैपेसिटी पावर प्लांट हम क्या करेंगे वी आर मूविंग टूवर्ड मल्टीपल रिटोट अंडरफीड स्टोकर फायरिंग सिस्टम अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं दिस डायग्राम शोज मल्टीपल रिटोट अंडरफीड स्टोकर फायरिंग सिस्टम इन दिस डायग्राम यू कैन सी देखिए मल्टीपल रिटोट है यहाँ पर एक स्टोकर है ये रैम दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से रैम दिए हुए हैं दीज आर द रेसी प्रोकेट रैम मीन्स रेसी प्रोकेटिंग पार्ट यह इन साइड एंड आउटसाइड ये मूव करते हैं राइट दिस इज द हॉपर आप देख सकते हैं ये हॉपर है कोल इज सप्लाई फ्रॉम हियर इसमें कोल कलेक्ट हो गया कोल कलेक्ट हो गया कोल यहां से सप्लाई किया जा रहा है इसके बाद ये जो रैम है ये रैम रेसी प्रोकेट करते हैं सो वेन दिज रैम रेसी प्रोकेट दीज सप्लाई कोल टू द ग्रेट ये देख रहे हैं ग्रेट है इसमें बहुत सारे टू एयर हैं ये सारे ये टू एयर है तो कोल नीचे से फीड हो रहा है और टू एयर से एयर फीड होगी एयर कहाँ से आ रही है ये देखिए फोर्स एयर डक्ट यहाँ पर दिया हुआ है सो तो यहाँ से एयर आएगी और एयर यहाँ से एंटर करेगी राइट right? इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर सारा फ्यूल कलेक्ट हो गया मल्टीपल रिटोर्ट है आपको मल्टीपल रिटोर्ट जैसा भी आपको वन सिंगल रिटोर्ट दिखाया था इट इज मल्टीपल रिटोट तो जितनी रैम है उतने रिटोर्ट है ध्यान रखिए जितनी रैम है उतने ही यहाँ पर रिटोर्ट हैं सो so, फ्यू यहाँ पर फ्यूल हम सप्लाई करते जा रहे हैं फ्यूल कंटिन्यूस बर्न हो रहा है और जैसे बर्न होता जाएगा नीचे ग्रीन कोल होगा उसके ऊपर इनकंडिसेंट कोक होगा इसकी देख आप देख सकते हैं ये ग्रीन कोल का जोन ये है राइट और ये इनकंडिसेंट कोक का जोन है इसके ऊपर यहाँ पर यहाँ पर ऐश होगी तो जैसे जैसे ये ऊपर इंक्रीज होता जाएगा ये ही बनता जाएगा सो so, ऐश कम डाउन और ये ऐश पिट है ऐश पिट में सारी ऐश कलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से इसको इजीली इस रिमूव करके जहाँ भी हम ऐश को स्टोर करते हैं ऐश स्टोरेज में हम इस ऐश को सप्लाई कर सकते हैं ठीक है राइट ओके दिस इज़ अबाउट द मल्टीपल रिटोट सिस्टम इट इज़ जनरली यूज फॉर इंक्रीजिंग द बर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टोकर मैंने आपको बताया अभी कि अगर सिंगल रिटोट आप यूज़ करते हैं तो 2000 किलोग्राम 2000 किलोग्राम फ्यूल तक पर आर आप बर्न कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बर्न मोर फ्यूल देन यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल रिटोर्ट सो आई आई कैन से इट इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द बर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टोकर इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ अल्टरनेट रिटोर्ट एंड टूअर बॉक्स फॉर सप्लाई ऑफ एयर ईच रिटोट इज फिटेड विद ए रेसिप्रोकेटिंग रैम फॉर फीडिंग एंड पुशर प्लेट फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल्ड राइट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कोल का यूनिफॉर्म होना जरूरी है अगर कोल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा क्या होगा फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक जगह इकट्ठा होता जाएगा सो यूनिफॉर्म बर्निंग नहीं होगी यूनिफॉर्म कम्बस्शन नहीं होगा यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सो इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कोल का होना बहुत जरूरी है कोल कहाँ से आएगा कोल कमिंग फ्रॉम द होपर देन इट पुश फॉरवर्ड देन देयर स्ट्रोक ऑफ स्टोकर देन

कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्लिंकर्स कम से कम हो क्लिंकर फॉर्मेशन कम से कम हो ये प्राइमरी एयर सप्लाई टू द फ्यूल बेड फ्रॉम विंड बॉक्स सिचुएटेड बिलो द स्टोकर द पार्टली बर्ंड कोल मूव टू द एक्सटेंशन गेट द क्वालिटी ऑफ एयर सप्लाई इज रेगुलेटेड बाई एन एयर डैम्पर अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो इट हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी, हाई कम्बस्टन रेट ग्रेट इज सेल्फ क्लीनिंग बिकॉज टेपर है इंक्लाइंड है सो ग्रेट इज सेल्फ क्लीनिंग पार्ट लो डेफिशियंसी इज़ वेरी गुड सो वी कैन से पार्ट लो डेफिशियसी इज हाई राइट डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोल कैन बी बर्न ईजीली ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इज़ वेरी हाई मोस्ट ऑफ द फर्नेस कम्पोनेंट आर नॉट सब्जेक्टेड टू हाई हीट क्यों हाई हीट से कंपोनेंट सब्जेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज जहाँ जहाँ कॉम्पोनेंट है वहाँ पर हमने ग्रीन कोल फ्रेश कोल सप्लाई किया है जो हीटेड कोल है बर्नड कोल है ऐश है वो तो किसी भी पार्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो फ्रेश फ्यूल है सो so, ज्यादातर जो कंपोनेंट है बॉयलर के फर्नेस के वो हाई uh, हीट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं लेकिन अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं बिकॉज इट इज मल्टीपल रिटोट सिस्टम सो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आई है हाई इनिशियल कॉस्ट अब मल्टीपल रिटोट है सो लार्ज फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड आई टोल्ड यू कि वी आर ट्राइंग टू रिजोल्व दिंकर प्रॉब्लम बट वी आर नॉट एबल टू रिजोल्व हंड्रेड परसेंट दिस प्रॉब्लम